अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखें बर्फबारी तकरीबन स्नोफॉलिंग रात की शुरू 10 बजे की मसलसल, अभी तक सुबह के 10 बज चुके हैं, मसलसल हो जा रही है। जो आप दिखें ये देखें मेरे पांव कितने अंदर चले गए हैं। ओहो, ये समझ ही नहीं आ रही। छतरी भी अम्ब्रेला भी ली हुई है ये मैंने, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा शिद्दत है बर्फबारी की कि कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये देखें, ये हमारे दोस्त बबर साहब, छतरी देखें बस ऐसे ही की पोजीशन बनी हुई है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आपको इधर का व्यू मैं अभी दिखा नहीं सकता सही तरीके से, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ रही है। ये हमारे दोस्त भी इसमें आ गए हैं, समझ नहीं लगी। अस्सलामुअलैकुम, ये देखें अहमद भाई सफ़ेद दाढ़ी वाले, ये अभी से बुढ़े हो चुके हैं। ये बस ऐसा ही मौसम रात का बना हुआ है बर्फबारी का। अच्छा, फोर व्हीलर कोई आ जाएगी। ये सिर्फ ड्राइवर डाडा होएगा ते नहीं, ड्राइवर उधर दो भी तो भाई। बर्फबारी भी जड़ी शिद्दत हो गई है ना, जो वंड बनते ही है फिर बहरल है। ये दसो वापस करी जाएगी गाड़ी? वापस नहीं, अज वाला काम बर्फ रुकेगी, उस तो अद्धे घंटे बाद वापस निकल सकते हैं, क्योंकि सड़क साफ कर देंगे। अद्धे घंटे बाद खोल जाना रास्ता। कहना बोर आउट ना 10 बजे नाला ही उठे 7 बजे रे। नहीं नहीं, वो उठे हुंदा लेट, इथे ते मैं सुबह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखें बारिश बर्फ बहुत ही ज्यादा हो रही है, समझ ही नहीं आ रही। छतरी के बगैर भी गुजारा नहीं हो रहा, नहीं छतरी के साथ भी गुजारा नहीं हो रहा। ऐसे ही रात का मौसम बना हुआ है, तकरीबन रात के 9 बजे से शुरू हुआ है और अभी सुबह 10-11 बज चुके हैं, और वही हाल है, वही पोजीशन है। बर्फबारी ऐसे की ऐसी ही हो रही है। आप दोस्तों को जरा व्यू सारा दिखाएं आस्ता आस्ता करके। ये जो हमारे बवा साहब है रात से कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये थके नहीं है। ये वो वाली गाड़ी है जिस पर सब्जियाँ वगैरह देखी है। ये बो आसफ़ साहब ट्रैफिक पुलिस के कण के पास जो जगह उनके उसके पास खड़े हैं। ये ऊपर आप देखें कितना शानदार नज़ारा है। ये हमारे शेख साहब हैं जो अभी से होटल से आ रहे हैं। वो बुज़ुर्ग रात को सोए हुए थे, अभी वो भी अब बाहर आ गए हैं। ਬੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਵੈਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ